नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 21 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। तमाम जानकारी हमेशा की तरह हम यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर था अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी कि विकल्प नंबर डी। अच्छा, इसको लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में दिया था, तो सभी चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है पीडीएफ, जिसका कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। एप्लीकेशन पर जो लोग भी मेंबरशिप लिए हुए हैं 70वीं वाले बीपीएससी कोर्स का, तो आप लोग वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत देखेंगे, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए, आप चाहें तो इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को, जिसके माध्यम से हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा है वो इसमें आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें आपकी एग्जाम के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एडिशनल अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पर आपको क्विज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए। आप चाहें तो इसे टेलीग्राम पेड ग्रुप के भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, खास करके जो हमारे नोट्स और पीडीएफ होते हैं वो सभी चीज़ें टेलीग्राम पेड ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर BPSC 70 लिखकर मैसेज करेंगे और आपको वहां पर कैसे इसे ज्वाइन करना, क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या चीज़ें मिलेगी, वो तमाम चीज़ें वहां पर आपको बताई जाएगी और साथ साथ आपको सैंपल भी भेजा जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसकी खास विशेषता यहाँ पर यह है कि 299 में हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि कहने के सेंस यहाँ पर यह है कि जब ये आप ज्वाइन करेंगे तो आपको तमाम जो पिछला नोट्स है, जैसे कि सिलेबस आधारित नोट्स हो गया, बिहार जीके हो गया और इसके अतिरिक्त 2023 का पूरा करंट अफेयर्स हो गया, जो 2024 अब तक गुजरा वो सभी मंथली वाइज जो भी मतलब मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और लाइफ टाइम जब तक आपको ज़रूरत है, जब तक आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उत्कृष्ट दर्जे का आपको यहाँ पर नोट्स हम आपको देते रहेंगे अपनी इच्छा अनुसार। जब तक आपको लेना है आप इस ग्रुप के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे, ये इसकी सबसे खास विशेषता है। ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप हमें 11 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक कभी भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 यानी कि 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पांस रेट क्या रहा है? जो नवीनतम रिपोर्ट अभी जारी की गई इसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, तो करेक्ट जो आंसर है बिहार के संदर्भ में इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1.1% रहा। देखिए इसको लेकर तमाम जानकारी हमने आपके समक्ष रखा। पहला पॉइंट है कि देश भर में संकट में फंसी महिलाओं के लिए केंद्रीकृत हेल्पलाइन 181 की शुरुआत जो हुई थी ये 31 जुलाई 2014 को हुई थी। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, जो हेल्पलाइन नंबर है 181 इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2014 को हुई थी और इस पर आने वाली शिकायतों और उसके निपटारे को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो देश के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की शिकायतों को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है और इसमें बिहार भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली बिहार के संदर्भ में ही हमने ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो बिहार के संदर्भ में इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार में 2019 से लेकर 2024 के बीच 5 वर्षों में पुलिस रिस्पांस रेट 0 से 1% रहा है। ठीक है, ये पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा है, लेकिन जो नवीनतम अगर हम बात करें 2023 की, पिछले साल की, जिसको लेकर ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैसे राज्य जिसका रिस्पॉन्स रेट सबसे बेहतर रहा है, जो खास करके ये जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, जहां पर 7 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए थे, यानी कि महिलाओं के द्वारा इतना मामला, 7 लाख से अधिक मामला यहां पर दर्ज किया गया था हेल्प पाने के लिए, तो उसमें सभी का 100% रिस्पॉन्स रेट रहा पुलिस के द्वारा, इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई। दूसरे स्थान पर पंजाब रहा जहां पर 2 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए थे और पंजाब का जो रिस्पॉन्स रेट रहा 99.65%,
तीसरे स्थान पर गुजरात रहा, जहां पर 1 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए थे। इसका रिस्पॉन्स रेट 96.99%। तो ये तो रहे वैसे राज्य जिसका रिस्पॉन्स रेट सबसे बेहतर है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें वैसे राज्य जिसका रिस्पॉन्स रेट सबसे खराब रहा, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आ जाता आंध्र प्रदेश, जहां पर 13 लाख से अधिक मामले आए, लेकिन जो निपटारा हुआ, जो समाधान हुआ पुलिस के द्वारा 0.85%, यानी कि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर बिहार, जहां पर 7 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए थे, रिस्पॉन्स रेट रहा बिहार पुलिस का 1.1%। जबकि तीसरे स्थान पर रहा खराब प्रदर्शन करने वाले स्टेट में कर्नाटक का, जहां पर 4 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए थे, रिस्पॉन्स रेट रहा 7.9%। तो नवीनतम रिपोर्ट है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खास करके ऐसे आंकड़े वाले प्रश्न तो इंपॉर्टेंट होते ही। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में से बिहार में 5 चरणों का मतदान हो चुका है, बताएं कि निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है, जो खास करके 18वें लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में जो आयोजित हो रहा है, इसको लेकर जो बातें कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से, या फिर जो इसका प्रावधान किया गया कि 7 चरणों में आयोजित होना है, तो इसी को लेकर यहाँ पर एक प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि 5 चरणों का मतदान बिहार में हो चुका है, लेकिन जो मिलान दिया गया इनमें कौन सा मिलान सत्य है। देखिए रिसेंटली 20 मई को 5वां चरण आयोजित हुआ है, तो यही वाला जो विकल्प है विकल्प नंबर डी ये यहाँ पर सत्य है, बाकी जो अन्य 3 विकल्प है ये तीनों का जो मिलान है एक तरह से ये गलत है। अब यहाँ पर आइए इसको लेकर कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले जो कॉमन सी जानकारी वो ये ध्यान रखना आपको कि बिहार में 18वां लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 जून 2024 को ये समाप्त होगा, 7 चरणों में ये आयोजित होगा, यानी कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक ये 7 चरणों में आयोजित होनी है, और चुनाव का जो परिणाम है ये 4 जून 2024 को आएगा। और यहाँ से एक जानकारी ये भी निकल कर आती है कि सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये 7ों चरणों में चुनाव होने हैं, ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। जो 7 चरण में लोकसभा चुनाव आयोजित होगा, तो केवल 3 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 7ों चरणों का जो है ये चुनाव होना है, और 7ों चरणों को लेकर यहाँ पर कंप्लीट जानकारी खास करके बिहार को लेकर हमने आपके समक्ष में रखा है, और वहीं से ये प्रश्न अराइज होता है। देखिए बिहार में आयोजित होने वाले 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं वो कौन कौन सी सीटों पर होगा, ये पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, और हमने यहाँ पर आंसर में यानी जो विकल्प दिया था आपको 18 दिया था, इसलिए यहाँ से ये गलत था। तो पहला चरण हुआ था आयोजित 19 अप्रैल को, और कहाँ कहाँ पर, तो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर। वहीं पर दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, और 5वां चरण 20 मई को, और 6ठा चरण आयोजित होगा 25 मई को, और 7वां चरण 1 जून को। तो सभी को लेकर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा तो 1 अंक आपके हाथ में होगा। अच्छा एक जरूरी जानकारी, बिहार में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 सीटें हैं, 40ों सीटों की जानकारी यहाँ पर चरण वाइज आपके समक्ष है, ठीक है। आई होप इन चीज़ों को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मई 2024 में पोलैंड में आयोजित सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए आपको बता दूं कि सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का जो आयोजन है हाल ही में मई 2024 में पोलैंड में किया गया, और इसकी विजेता सूची में बात करें तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं ये पहले स्थान पर रहे, जबकि चीन की वेई यी ये दूसरे स्थान पर रहे। अब यहाँ पर देखिए टॉप 10 की सूची में 3 भारतीयों ने अपना स्थान कायम किया, जिनमें आपको ध्यान रखना 4थे स्थान पर रहा आर प्रगणानंद, और 5वें स्थान पर अर्जुन एरिगेसी, और 10वें स्थान पर रहा डी गुकेश यानी कि डोमा राजो गुकेश, ये तीनों नाम यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इन तीनों की अगर हम बात करें, ये तीनों जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं ये तीनों भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। अब ये कौन से ग्रैंड मास्टर बने थे और कब बने थे वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए भारत के ग्रैंड मास्टर की सूची में अब तक 85 नाम जुड़ चुका है, और जो पहले ग्रैंड मास्टर भारत के बने थे 1987 में विश्वनाथन आनंद। हालांकि इन तीनों की बात करें तो आर प्रगणानंद जो कि तमिलनाडु के हैं ये 52वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2018 में। अर्जुन एरिगेसी जो कि तेलंगाना के हैं ये देखिए यहाँ पर 52वें नहीं बल्कि यहाँ पर 54वें होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे, 54वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2018 में।
और फिर यहाँ पे अगला जो हमारा होगा डोमा राजू गुकेश या फिर डी गुकेश, ये भी तमिलनाडु के हैं। ये 60वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में। तो ये चीज़ों को लेकर यहाँ पर ध्यान आपको अवश्य रखना है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है किसी एक वीडियो में कुछ समय पहले हमने आर प्रज्ञानंद को लेकर एक जानकारी दिया था, जहाँ पर हमने आपको बताया था 50वें ग्रैंड मास्टर हैं ये। एक्चुअली 50वें नहीं, आप लोग सुधार कर लेंगे, ये 52वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2018 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आर प्रज्ञानंद को लेकर कुछ जानकारी और भी है जो कि हमने कई बार आपको दिया है, यहाँ पर पुनः हम इस चीज को दोहरा दें। वैशाली रमेश बाबू जो अभी हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आर प्रज्ञानंद की बहन है और वे शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाई बहन है, यानी कि भाई बहन की पहली जोड़ी है जो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है, फिर दर्जा अपने नाम किया है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन अभी हाल ही में जो वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, महिला वर्ग में देखें तो कनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो इन 85 अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो इसमें 3 महिला ग्रैंड मास्टर है, जबकि वहीं पर रिमेनिंग जो 82 है ये पुरुष ग्रैंड मास्टर है। ये चीजें आपको अवश्य ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो पी श्याम निखिल बने हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। ये हालिया सूची है ग्रैंड मास्टर की, इसको आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और एक जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे अधिक जो ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है वो तमिलनाडु ने ही अपने नाम किया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 1987 में विश्वनाथन आनंद बने थे, तो ये चीजें आपको अवश्य ध्यान रखनी है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया है, ये आयोजन तिथि एक्चुअली में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा 20 नहीं बल्कि 22 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 15 मई 2024 को इसका समापन हुआ है रिसेंटली। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपको बता दूं कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का जो आयोजन है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया, ये इसका 7वां संस्करण था। 22 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी, 15 मई 2024 को इसका समापन हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है, इस अभ्यास में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गठ यानी कि NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बल यानी कि बात करें तो इन दोनों के बीच ये अभ्यास आयोजित हुआ था और ये इसका 7वां संस्करण था, जैसा कि यहाँ पर अभी हम आपको बतला रहे थे। लेकिन इसका जो पिछला संस्करण था ये जनवरी 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में ये आयोजित हुआ था, ये इसका 6ठा संस्करण था जो कि तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित हुआ था। और ये एक प्रकार से वार्षिक अभ्यास है जो कि दोनों देशों के मध्य आयोजित होता है। हालांकि इसके अतिरिक्त कई सारे और भी अभ्यास हैं जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होते हैं, वो जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, दोनों देशों के मध्य जो आयोजित होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास है यानी कि भारत और अमेरिका के बीच, इनमें एक युद्धाभ्यास ऐसा है जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास, जो कि एक थल सेना अभ्यास है, यह आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। साथ ही साथ अगला हम बात करेंगे मालाबार अभ्यास की, जो कि दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला है वज्र प्रहार, जो कि दोनों देशों के विशेष बलों द्वारा आयोजित होता है, ये आतंकवाद रोधी और उग्रवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और फिर इसके अतिरिक्त अगला है कोप इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के मध्य दोनों देशों की वायुसेना के बीच ये आयोजित होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वायु युद्ध रणनीति और तकनीकों को बेहतर बनाने पर ये आधारित है। तो ये सभी जो अभ्यास है, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे तर्कस और साथ ही युद्धाभ्यास, मालाबार अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, ये सभी जो है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास है। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में हुए वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन सा देश लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष पर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि भारत। हालांकि ऐसी जानकारी हमने पिछले साल भी आपको दिया था। और अगर हम बात करें ये जो नवीनतम रिपोर्ट है 2023 को लेकर जो जारी हुई है, आपको ध्यान रखना ये 6ठा वर्ष है जब भारत इसमें शीर्ष पर है। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट शटडाउन का अर्थ ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में 100% इंटरनेट सेवा को गवर्नमेंट द्वारा मतलब कह सकते हैं बंद कर देना, प्रतिबंधित कर देना। तो इसे हम लोग आसान शब्दों में इस प्रकार से इंटरनेट शटडाउन समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 15 मई 2024 को
15 मई 2024 को एक रिपोर्ट आई एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन द्वारा। ये इंटरनेट शटडाउन इन 2023 नाम से एक संयुक्त रिपोर्ट जारी किया गया, दोनों संस्था ने मिलकर जारी किया। और रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो वैश्विक स्तर पर दर्ज किए गए 283 मामलों में 116 इंटरनेट शटडाउन भारत में हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया में, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो 283 इंटरनेट शटडाउन के मामले आए हैं उनमें भारत में 116 मामले दर्ज हुए हैं। आपको ध्यान रखना है ये केवल बात हो रही है 2023 को लेकर, ठीक है, ये आपको जरूर यहाँ से ध्यान रखना है। भारत, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र के नहीं, ये भी आपको समझना है। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि इंडिया जो है यहाँ पर 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है म्यांमार जहाँ पर 37 बार, तीसरे स्थान पर ईरान जहाँ पर 34 बार, चौथे स्थान पर फिलिस्तीन जहाँ पर 16 बार, उसके बाद यहाँ पर पांचवें स्थान पर है यूक्रेन जहाँ पर 8 बार, और उसके बाद पाकिस्तान है जहाँ पर 7 बार। इस तरह से सूची है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं दिख रहा तो पीडीएफ में आपको जरूर दिखेगा, पीडीएफ को जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जरूर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो कुल 283 मामले में इसमें 116 जो मामले हैं ये भारत में यहाँ पर दर्ज हुए हैं। देखिए भारत को लेकर कुछ जानकारी और भी है कि भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में लगातार छठे साल सबसे ऊपर है। ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, ये लगातार छठा साल है, छठा वर्ष है जब भारत इसमें सबसे ऊपर है। और इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में इसको लेकर ये कहा गया है, दरअसल ये मतलब इसके पीछे कारण क्या है जो इस तरह का शटडाउन यहाँ पर मतलब देखने को मिला सबसे अधिक पिछले 6 सालों में। तो इसके पीछे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में सिकुड़ता लोकतंत्र यानी कि श्रिंकिंग डेमोक्रेसी और बढ़ती हिंसा यानी कि ग्रोइंग वायलेंस, ये दोनों कारण है जिससे इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए, दो रीजन इसमें इस रिपोर्ट में इसको लेकर बतलाया गया है। अच्छा यहाँ पर कुछ जानकारी मैं और भी आपको दे दूँ कई राज्यों को लेकर, यहाँ पर इस रिपोर्ट में बातें कही गई है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जम्मू कश्मीर में 17 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, मणिपुर में 212 दिनों तक राज्यव्यापी इंटरनेट शटडाउन रहा था, और इसके अतिरिक्त हरियाणा और पंजाब में भी कई बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, ये भी ध्यान रखिए। और बिहार में भी पिछले साल 2023 में कई जिलों में खास करके हिंसा के बाद इंटरनेट 2 दिन 4 दिन के लिए बैन किया गया था। तो ये तो बात कुछ छोटे पैमाने पे, लेकिन जो एक्चुअली आपको ध्यान रखना है भारत के लेकर के, भारत में 116 बार ये इंटरनेट शटडाउन हुआ था। और जानकारी जो यहाँ पर हमने लिखा है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में इतने दिनों का जो राज्यव्यापी इंटरनेट शटडाउन रहा, दरअसल मणिपुर में कई प्रकार से हिंसा हो रही है, दो तीन वजह है जो बड़े रीजन है वो आपको ध्यान रखना है, जिस वजह से मणिपुर का जो व्यवस्था है वो काफी मतलब कह सकते हैं यहाँ पर उत्पात मचा हुआ, जहाँ पर बहुत हिंसा हुई है। तो कहीं ना कहीं यही वजह था जिसके कारण यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद रखा गया था 212 दिनों तक, ये यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये छठा प्रश्न होगा कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है ये फीफा है। तो फीफा ने हाल ही में किस देश को 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? तो ये मेजबानी अभी हाल ही में ब्राजील को सौंपी गई। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मई 2024 में थाईलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा का 74वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये एक बैठक था जो कि यहाँ पर थाईलैंड में आयोजित हुआ है, और इसी बैठक में आपको ध्यान रखना यहीं पर साल 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल विश्व कप या फिर वर्ल्ड कप के मेजबान देश के रूप में ब्राजील का नाम घोषित किया गया है। ये 10वां संस्करण है जो कि ब्राजील में 2027 में आयोजित होगा, और ब्राजील के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे यह पहली बार होगा जब फीफा महिला विश्व कप ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, यानी कि पहली बार ऐसा होगा जब ये महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी ब्राजील द्वारा किया जाएगा। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है पुरुष वर्ग की मेजबानी ब्राजील पहले कर चुका है, इससे पहले अगर हम बात करें तो ब्राजील 1950 में और 2014 में हुए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर चुकी है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप को लेकर कल वाले वीडियो में भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था, 2022 में जो ये आयोजित हुआ था ये कतर में आयोजित हुआ था, और आपको ये ध्यान रखना है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था फाइनल मुकाबला, और 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना था। अर्जेंटीना टीम के कप्तान है लियोनेल मेसी, इन्हीं की कप्तानी में 36 साल बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना था फीफा विश्व कप का, और ये तीसरा विश्व कप है अर्जेंटीना का। इससे पहले 1978 में और फिर 1986 में इस खिताब को अर्जेंटीना ने अपने नाम किया था। अच्छा रिसेंटली लंदन में फीफा अवार्ड्स 2023 वितरित हुआ या फिर घोषणा हुआ, यहाँ पर जो मतलब खिलाड़ी को सम्मानित किया गया कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके समक्ष है,
कल भी हमने आपको बताया था, फिलहाल आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर कल वाले वीडियो को आपने नहीं देखा तो ये सभी को वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए, और इसका पीडीएफ फाइल आप लोग रेगुलर बेसिस पर जरूर डाउनलोड कीजिए, चाहे आप एप्लीकेशन से कीजिए या फिर आप पेड ग्रुप से कीजिए, दोनों जगहों में से कहीं पर आपको बने रहना है और निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई को एकदम से संचालित करना है। दूसरे जगह पे आपको बिल्कुल भी आश्रित नहीं रहना है, पूरा का जो पूरा जिम्मेदारी है वो हमारी है। हम आपको बेहतर नोट्स देंगे, आप लोग नोट्स को पढ़िए, एक दिन वीडियो देखने से नहीं होगा बल्कि पूरे दिन, हर दिन आपको रेगुलर देखना होगा एग्जाम तक। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो बड़ा होता है, 35 से अधिक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा सेक्शन है। अगर इस पर आपकी अच्छी कमांड होगी तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। और इसके अतिरिक्त जो 5 सेक्शन है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, अगर इससे अगर 10-10 भी अंक आप लाते हैं तो 50 होता है, और मैथ के जो 10 अंक होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं, उसमें मैं 5 ही ले रहा हूँ। आप इसको काउंट कर लीजिए, तकरीबन 50 30 80, 5 85 5 90, 90 अंक, जो कि आपका जो कट ऑफ का कगार है, जो कट ऑफ का जो आंकड़ा है, जो कट ऑफ की सीमा है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसे निरंतरता के साथ फॉलो कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम नजदीक आएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर ऐसे में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पर आपको पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप चाहेंगे एक ही बार में पूरे मंथ को हम पढ़ लें वो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। हाँ, एक बार में आप इसका रिवीजन जरूर कर सकते हैं, जब आप महीने भर पढ़े हैं तो एक दिन समय निकाल के इसका रिवीजन भी अपने पीडीएफ से, अपने नोट से कर सकते हैं, तो वो जो स्ट्रेटजी होगी वो कहीं बेहतर होगी। बहुत लोग सोचते यह है कि एग्जाम से पहले कोई बुक ले लिया जाएगा मार्केट से और उसे पढ़ लिया जाएगा, तो ऐसे में आप समय के साथ पीछे रह जाएंगे और सफलता जो है वो आपसे आगे निकल जाएगी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि किस देश ने अपने नियंत्रण वाले द्वीप न्यू कैलिडोनिया में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हाल ही में 15 मई 2024 को आपातकाल लागू किया है, ये यहाँ पर पूछा गया। कहाँ पर, मतलब किस देश का नियंत्रण वाला जो न्यू कैलिडोनिया द्वीप है यहाँ पर इमरजेंसी लागू किया गया है, तो इस पर जो अधिकार है यह है फ्रांस का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसको लेकर तमाम जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप है जो कि 171 सालों से फ्रांस के नियंत्रण में है, ये आपको ध्यान रखना है। मैप पर जब आप देखेंगे तो फ्रांस कुछ यहाँ पर दिखेगा, और जो प्रशांत महासागर में ये द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप लंबा आकार में है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। और हाल ही में मई 2024 में हिंसा के बाद यहाँ पर 15 मई 2024 को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा आपातकाल लागू किया गया, जिससे यह खबरों में है। अब आपके लिए ये भी जानना अति आवश्यक है कि किस वजह से यहाँ पर, मतलब इस प्रकार का हिंसा उत्पन्न हुआ है। देखिए, यहाँ पर इस वाले पॉइंट में इसे हमने लिखा है कि दरअसल फ्रांस ने मई 2024 में न्यू कैलेडोनिया में मतदान नियमों में बदलाव वाला एक विधेयक या फिर एक बिल पास किया है। आपको ध्यान रखना, इस बिल का उद्देश्य 10 वर्षों से अधिक समय से न्यू कैलेडोनिया में रहने वाले फ्रांसीसी निवासियों को मतदान का अधिकार देना है, जिससे यहाँ के मूल निवासी, जो खासकर के कनन जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसी वजह से इनमें आक्रोश फैल गया। इन लोगों का कहना है कि वे फ्रांस से अलग होना चाहते हैं, और जो इनका नाम जोड़ा जा रहा है मतदाता सूची में, इसी को लेकर जो बिल पेश हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसी को लेकर ये विद्रोह या फिर ये आक्रोश फैला है। इन लोगों का साफ कहना है कि ये फ्रांस से अब अलग होना चाहते हैं, तो यही वजह है जिसको लेकर यहाँ पर हिंसा हुई है, और हिंसा जो हुई है वो बहुत भयानक पैमाने पर हुई है। आप इस तस्वीर को भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का विध्वंस यहाँ पर हुआ है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त न्यू कैलिडोनिया को लेकर एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यू कैलिडोनिया के लैगून उनकी विविध चट्टानों और संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों के साथ यूनेस्को द्वारा 2008 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक द्वीप है, एक देश नहीं है न्यू कैलिडोनिया, बल्कि एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, जिस पर 171 सालों से फ्रांस का अधिकार है या फिर फ्रांस का नियंत्रण है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में 14वीं सदी की मिस्र के किस राजा की ममी के जरिए उनका चेहरा बनाया गया है या फिर उनका चेहरा उनकी ममी से रिक्रिएट किया गया है, तो अगर हम बात करें इनकी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अमेनहोटेप तृतीय, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, अमेनहोटेप तृतीय की जो चेहरा है वो रिक्रिएट किया गया उनकी मम्मी से।
आई थिंक ममी आप लोग समझ सकते हैं कि जो शव होते हैं जिसे संरक्षित रखा जाता है उसे कहा जाता है ममी। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 14वीं सदी में मिस्र के राजा रह चुके अमेन होटेम तृतीय की ममी के जरिए उनका चेहरा बनाया है। देखिए, दरअसल ये जो ममी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी जो मतलब खोज हुई थी ये 1881 में हुई थी, और वैज्ञानिकों के अनुसार जो इनकी लंबाई थी लगभग 156 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 1 इंच थी। देखिए, ममी जो होता है वो कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। दरअसल ऐसा करने का एक रीजन यह था कि एंशियंट इजिप्शियन ये मानते थे कि जिनकी मृत्यु होती है जब वो स्वर्ग जाते हैं तो वो अपने साथ सामान वगैरह भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का कह सकते हैं एक संरचना बनाया जाता था जिसमें उनकी शव को अच्छे तरीके से सहेज कर रखा जाता था, एक प्रकार से उन्हें संरक्षित रखा जाता है। और आपको ध्यान रखना है, जब इस प्रकार की मतलब चीजें हो रही थी तो लुटेरों द्वारा मतलब कि उसे लूट लिया जाता था कब्रों से, मतलब जो स्वर्ण का जो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना सारा सोना इसमें होगा, अभी के समय के अनुसार देखें तो ये मतलब बहुत ही अधिक कीमती है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं जहां पर ये इनका मकबरा होता था वहां पे और भी कई चीजें रखी जाती थी जो बहुत बहुत कीमती होती थी, जो अपने समय के दौरान इन्होंने अपना इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो वो सभी चीजें लुटेरों के द्वारा चुरा लिया जाता था। तो इसके समाधान के लिए एंशियंट इजिप्शियन ने क्या किया, पिरामिड बनाना शुरू किया। पिरामिड में बहुत अंदर इस प्रकार ये सभी चीजें रखी जाती थी इससे संबंधित, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि उसको भी ध्वस्त कर लिया जाता था, पिरामिड के अंदर से भी ये सारे मतलब कह सकते हैं चीजों को लूट लिया जाता था। ये चीजें आप लोग यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आगे हमने देखा कि आमेन होटेप मिस्र के राजा तूतन खामून के दादा थे जो कि मिस्र के 18वें राजवंश का हिस्सा थे, और वे 14वीं शताब्दी में बेहद शक्तिशाली थे। उन्हें मिस्र में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। जो यहाँ पर एक्चुअली में आप देख रही है दोनों तस्वीर में, यहाँ पर ये आमेन होटेम तृतीय है, लेकिन ये जो तस्वीर हमने आपको दिखलाया है ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये तूतन खामून के बारे में यहाँ पर हमने आपको बताया। तूतन खामून जो शब्द यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, इनकी यही ममी है जो कि तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक जितने भी ममी मिले हैं जो उसके ऊपर जो आप ये चेहरा देख रहे हैं ये स्वर्ण का बना हुआ है, इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर इनका शव था, मतलब शव होता है कोई भी ममी का। ठीक है, तो ये अब तक जितना भी खास करके ममी मिला है उनमें से सबसे सुंदर जो आकृति जो सुंदर संरचना है वो ये तूतन खामून की है। तूतन खामून आप लोग एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा, एक खास करके एक चैनल है जिसका नाम है जेम टीवी। बहुत समय पहले मैंने जेम टीवी पर कई सारे वीडियो देखे थे तो मुझे याद है एक चैनल है, आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम आगे बात करेंगे जो ममी की एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 3400 सालों में ये पहली बार है जब दुनिया के अब तक के सबसे अमीर शख्स आमेन होटेप तृतीय का चेहरा उनकी ममी से रिक्रिएट किया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही चेहरा है जो रिक्रिएट किया गया है। अच्छा, ममी जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे एक संरक्षित शव को कहते हैं ममी, जिसे सहेज कर रखा जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला नवा प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, बताएं कि वे किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी। तो ये तीन राज्य त्रिपुरा गुजरात और मिजोरम, ये तीनों राज्य में राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी थी, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में 15 मई 2024 को कमला बेनीवाल जो कि राजस्थान की रहने वाली, इनका अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उनका जन्म 12 जनवरी 1927 को हुआ था, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कांग्रेसी नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल गुजरात त्रिपुरा मिजोरम की राज्यपाल रही थी, जो आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इसको लेकर कुछ जानकारी ये भी है, कुछ अतिरिक्त जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है कि भारत की आजादी के आंदोलन के समय 11 साल की उम्र में वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा ली थी, ये ध्यान रखिए, और 27 साल की उम्र में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी और फिर बाद में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी बनी। तो ये कुछ उपलब्धियां इनके नाम है। इनमें एक जानकारी ये भी है कि उन्हें 1994-95 में इफ्को द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ सहकारी नेता का पुरस्कार भी दिया गया था। कब? तो 1994-95 में। अच्छा, इफ्को की यहाँ पर बात हुई है तो रिसेंटली इफ्को के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं, तो दिलीप संघानी बने हैं मई 2024 में, रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले हमने जानकारी आपको दिया है, ये नए अध्यक्ष हैं इफ्को के यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड के। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि इसरो का सूर्यान आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने हाल ही में सूरज से आने वाली सौर लहरों को कैप्चर किया है, बताएं कि मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्चिंग डेट है 2 सितंबर 2023,
ठीक है, ये ध्यान रखिए विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आदित्य L1 भारत या फिर इसरो का पहला सूर्य मिशन है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसे इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब दरअसल ये खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आदित्य L1 ने सूर्य पर सबसे बड़े तूफान को कैद किया, जिससे ये खबरों में है। आप यहाँ पर जो मतलब खास करके इसरो द्वारा जो फोटोग्राफ शेयर किया गया है, जो यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड को दिखाया गया इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, तो ये संबंधित जानकारी आप ध्यान रखिए। अच्छा, अगर हम बात करें मिशन आदित्य L1 की, तो इसको लेकर कई जानकारी हमने पहले आपको दिया है, अभी हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एबू ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में है, बताएं कि यह किस देश में अवस्थित है। देखिए माउंट एबू जो है ये इंडोनेशिया में है, जिस प्रकार से मैंने कई बार आपको बताया कि माउंट मेरापी जो है ये भी इंडोनेशिया में है, तो उसी प्रकार से माउंट एबू ज्वालामुखी जो अभी विस्फोट के कारण खबरों में है, तो ये भी इंडोनेशिया में ही है। देखिए मई 2024 में माउंट एबू ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हलमहेरा द्वीप पर है, ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडोनेशिया का जो हलमहेरा द्वीप है वहीं पर ये इंडोनेशिया में ये द्वीप है, मतलब कि ज्वालामुखी है माउंट एबू। असल इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी जानकारी दिया था कि इंडोनेशिया का माउंट मेरापी और माउंट रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में था। ये तीनों जो ज्वालामुखी संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया से ही संबंधित है। दरअसल इंडोनेशिया जो है प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, और यह रिंग ऑफ फायर की बात करें तो यह क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार होने वाले भूकंपों का केंद्र है। इसमें रशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, फिलीपींस, मैक्सिको, कोस्टारिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली आदि और भी कई देश हैं जो कि इस रिंग में आते हैं या फिर इस क्षेत्र में आते हैं। और इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी से रिलेटेड और भी कई सारे कॉमन प्रश्न हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो मुंह है इसका इसके क्रेटर कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोनालावा जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने किस देश में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन वर्ल्ड एक्वेटिक द्वारा भूटान में रिसेंटली किया गया है। देखिए वर्ल्ड एक्वेटिक द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान में किया गया है। यह भूटान में समुद्र तल से 8200 फीट यानी कि 2400 मीटर लगभग ऊंचाई पर यह स्थित है, और इसका उद्घाटन जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम का एक हिस्सा के रूप में शुरू किया गया है। दरअसल पूल फॉर ऑल प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी या फिर इस पहल की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2019 में की गई थी, तो इसी से संबंधित ये सारी जानकारी है जो कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो में इतनी सारी जानकारी आपको मिलता है, जो कि तमाम बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर बना बनाया नोट्स आपको एप्लीकेशन और पेड टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, तो दोनों में से कहीं से आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं, अपनी तैयारी को सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में 4वां स्थान मिला है। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस नंबर पर BPSC 70 लिख के मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।